हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना हरिओम सर और ये हमारा हरिओम केमिस्ट्री नामक चैनल है। आइए आज मैं आपको आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 2 प्रारंभ करने जा रहा हूं और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समूह समावयवता। तो आइए हेडिंग लगाते हैं। हेडिंग है हमारा, हेडिंग है क्रियात्मक समूह समावयवता। अंग्रेजी में कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। अब क्या होता है यह फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, आइए प्रारंभ करता हूँ। तो भैया कोई कहे कि ये किसे कहते हैं, तो सीधे से बड़े प्यारे से शब्दों में कहेंगे जिनके अणु सूत्र समान हो, जिनके अणु सूत्र कैसे हो बच्चों, समान हो, जिनके अणु सूत्र समान हो लेकिन भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह के कारण, भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह के कारण संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, उन्हें क्रियात्मक समूह समावयवी कहते हैं, उन्हें क्रियात्मक समूह समावयवी कहते हैं, तथा इस परिघटना को क्रियात्मक समूह समावयवता कहते हैं। जिनके अणु सूत्र समान हो लेकिन भिन्न भिन्न संरचना भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह के कारण, जिनके अणु सूत्र समान हो लेकिन भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूहों के कारण संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, ऐसे यौगिकों को क्रियात्मक समूह समावयवी कहते हैं, तथा इस परिघटना को क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, देख लूँ जरा वीडियो ठीक ठाक एकदम बढ़िया चल रहा है। आइए उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर हम देखने आ रहे हैं EX। एक्स का मतलब वो एक्स नहीं जो आप लोगों के एक्स होते हैं, वो नहीं, एक्स का मतलब है यहां पर एग्जाम्पल। प्यारे बच्चों CH3CH2OH ये आपका एल्कोहल है, क्योंकि यहाँ पर क्रियात्मक समूह क्या जुड़ रहा है बच्चों, OH क्रियात्मक समूह है। मैं लिख दे रहा हूँ क्रियात्मक समूह यहाँ पर कौन है बच्चों, OH। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल, जिसका क्रियात्मक समूह OH उसे एल्कोहल बुलाते हैं। और अगर आप इसका नाम लिखने जाएंगे, दो कार्बन है तो एथेनॉल इसका नाम हो जाएगा, एथेनॉल कह लो या एथिल अल्कोहल कह लो। अब हमें करना क्या है इसके साथ में, इसके साथ में हमें करना कुछ ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को उठाना है और यहाँ बीच में लगा देना है। तो स्ट्रक्चर नंबर 2 बन के तैयार होने जा रहा है। क्या स्ट्रक्चर होगा 2 में, ध्यान दीजिए। सबसे पहले था CH3, अच्छी खासी जिंदगी मस्त बिता रहा था, इंजॉय में रह रहा था, आनंद में रह रहा था, किसी को नजर लग गई तो बीच में कौन आके बैठ गया, ऑक्सीजन, ओ आ गया। अब जब ओ आ गया तो यहाँ पर CH2 और यहाँ पर H, तो क्या हो गए बच्चों, CH3। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इन चीजों को तो यहाँ पर बीच में ओ आ चुका है, मतलब इधर क्या है CH3 है, इसको R बोलते हैं एल्किल ग्रुप, इधर क्या है R CH3 और बीच में क्या आ गया है O।
तो बेटा इसको आर ओ आर टाइप का बन गया है। और इसको पूरे को फंक्शन को हम लोग नाम क्या देते हैं, आपको पता होगा प्यार से हम लोग इसको ईथर बुलाते हैं, ईथर बुलाते हैं। तो इसका आईयूपीएसी नाम भी हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथेन कह लो या डाइमेथिल ईथर कह लो, जो तुम्हारा मन करे। तो मैं इसको कह देता हूँ मेथ प्लस ऑक्सी मेथॉक्सी मेथेन, इसका हमने आईयूपीएसी नेम लिख लिया। अब जरा देखो इस भाई साहब के पास, दूसरा कलर लेता हूँ, कौन सा लिया जाए, चलो डिफरेंट लेते हैं, पिंक कलर ले लेते हैं ना। ध्यान दो, इस पूरे भाई साहब के पास और इस पूरे भाई साहब के पास अगर हम देखें गौर से, तो बच्चों इसके पास कितने कार्बन, 1-2 कार्बन है, बिल्कुल सही है। कितने हाइड्रोजन, 3, 2, 5 और 1, 6 हाइड्रोजन है, बिल्कुल सही है। कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। इसके पास भी इतने ही चीज़ें हैं, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। इसे हम लोग कहते हैं अणुसूत्र, इसे हम कहते हैं अणुसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अणुसूत्र। ध्यान से देखिए आप, यहाँ क्रियात्मक समूह OH है और यहाँ क्रियात्मक समूह ईथर है। इसके कारण दोनों की संरचना अलग अलग है, जबकि दोनों का अणुसूत्र सेम है। तो ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र सेम हो लेकिन क्रियात्मक समूहों की क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होने के कारण उनके संरचना समूह भिन्न भिन्न हो, उनकी संरचना भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह समावयवी, तथा इस परिघटना को बोलते हैं क्रियात्मक समूह समावयवता। ये स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 क्रियात्मक समूह समावयवी कहलाएंगे, तथा इस परिघटना को बोलेंगे क्रियात्मक समूह समावयवता। तो लिखिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। फटाफट से आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब आगे चलता हूं। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल इसका देखने जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले एक चीज और आपको बता दूं, एक चीज और समझा दूं आपको, कि एक था देखो बच्चों एल्कोहल और एक था हमारा ईथर। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हमारा एल्कोहल, एल्कोहल एंड ईथर, एंड ईथर एक दूसरे के कैसे समावयवी होते हैं, फंक्शनल, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं, आइसोमर क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं हमारे। कौन कौन बच्चों, एल्कोहल तथा ईथर। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, अगर मैं ले लूँ यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल के रूप में, क्या ले सकता हूँ बच्चों, ध्यान से देखते रहिए। अगर मैं ले लेता हूँ CH3 CH2, और भी हम ले सकते हैं CHO, ये ले लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिए एकदम गौर से, यह आपका जो CHO समूह है यह है हमारा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बिल्कुल। इसके कारण इसका IUPAC नाम लिखने जाएंगे 1, 2, 3 प्रोप सिंगल बॉन्ड N और CHO के लिए अल, तो प्रोपेनल बनेगा। अब हम क्या करें, हमें करना कुछ ये है कि हमें पूरे को नहीं छेड़ना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को पकड़ के यहाँ लगा देना है। सिर्फ और सिर्फ किसको पकड़ना है बच्चों, ऑक्सीजन को पकड़ के वहाँ पर लगा देना है। इसको अगर स्ट्रक्चर नंबर 1 हम मान लेते हैं, तो इसके बाद जो बनेगा स्ट्रक्चर 2 बनेगा। हमने क्या किया, ओ को पकड़ा, कार्बन के पास लगा दिया। आइए स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ध्यान दो बच्चों, CH3 है, C है,
और ऑक्सीजन को हमने लगाया तो आप जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड बनता है, तो यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा और इधर बॉन्ड है। जब ऑक्सीजन यहाँ आएगा तो दोनों के दोनों हाइड्रोजन पड़ोस में चले जाएंगे, तो हो जाएगा CH3। ये बेटा अगर आप ध्यान से देख रहे हो इसको, तो ये आपका जो है ग्रुप, इसको बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। तो कीटोन आ गया, एक था एल्डिहाइड और एक था कीटोन। चलो इसका नाम लिख लेते हैं, तो 1, 2, 3 प्रो सिंगल बॉन्ड एन और 2 नंबर पे ओन, तो नाम क्या पड़ गया? प्रोपेन 2 ओन। ध्यान दीजिए दोनों में कार्बन कितने कितने हैं? 2 कार्बन है 3 कार्बन है 3, 2, 5 और 1, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। इसमें भी 1, 2, 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। ये हो गया इसका संरचना और इसकी भी संरचना हो गई, और ये हमारा हो गया क्या बच्चों? अणु सूत्र हो चुका है। ये अणु सूत्र है, इसका भी ये संरचना सूत्र है, इसका भी यही संरचना सूत्र है। कहने का मतलब क्या है? इसका क्रियात्मक समूह कौन है? कीटोन। और इसका क्रियात्मक समूह कौन है? एल्डिहाइड। दोनों का अणु सूत्र सेम है, लेकिन एक का क्रियात्मक समूह कीटोन और एक का क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड, जिस कारण इनकी संरचना भिन्न है। संरचना भिन्न है तो नाम भिन्न है, नाम भिन्न है तो गुण भिन्न भिन्न होंगे। इन दोनों स्ट्रक्चर को आपस में बोलेंगे क्रियात्मक समूह समावयवी, और इस परिघटना को, इस फिनामिना को बोलेंगे क्रियात्मक समूह समावयवता। तो बच्चों अगर हम कहें कि एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के कैसे आइसोमर हैं, तो आप आंख बंद करके बता देंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी हैं। तो लिख देते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या हैं? एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं एल्डिहाइड तथा कीटोन एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए क्या दिक्कत परेशानी आ रही, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म था। आपको वीडियो टीचिंग क्वालिटी, पढ़ाने का स्टाइल कुछ भी अगर डिफर लगता है और आप क्या पढ़ना चाहते हैं हमसे, वो ज़रूर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को अधिक बच्चों तक शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारे साथ पढ़ के इस चैनल से लाभ ले सकें। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलूंगा अगले वीडियो पर। थैंक यू सो मच।